सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पैरामीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, और अगर ये पॉसिबल है तो हमें उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू एक्स मीटर, कि पार्क की लेंथ है एक्स मीटर एंड ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू वाई मीटर, और पार्क की ब्रेथ है वाई मीटर। यहाँ पर रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर हमें पार्क का पैरामीटर दिया है 80 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 80, और लेंथ हमने लेट कर लिए एक्स और ब्रेथ हमने लेट कर लिए वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में, इस 2 को हम इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 अपॉन 2। यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 वन ज़ा 2 और 2 40 ज़ा 80, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ पर हम इस एक्स को इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस एक्स था तो यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल रही है वाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का एरिया भी दिया है, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पर y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, तो इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो आ जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो x इंटू 40 आ जाएगा 40x, और x इंटू माइनस एक्स आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, और इस 400 को हम इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहाँ पर प्लस 400 है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 400 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हम एक्स वाली टर्म लिख लेंगे, तो यहाँ पर ये 40x, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 40x, और फिर आ जाएंगी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम इस पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो हमें पता करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो इसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ए की वैल्यू हो जाएगी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 40, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस 40, और सी सी आ जाएगा 400, क्योंकि 400 है कॉन्स्टेंट टर्म, सी आ गया है 400। तो यहाँ पर हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी इक्वल होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो इसमें हम ए बी और सी की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, बी है माइनस 40, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 40 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और सी है 400, तो यहाँ पर आ जाएगा 400, तो यह आ जाएगा डी इज इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस 40 का स्क्वेयर, तो माइनस 40 इंटू माइनस 40, तो यहाँ पर माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 4 इंटू 4 आ जाएगा 16, और बाकी के 2 जीरो एज इट इज़ आ जाएंगे, तो यह आ जाएगा 1600 माइनस माइनस 4 इंटू 1 आ जाएगा माइनस 4, माइनस 4, और माइनस 4 इंटू 400, यहाँ पर भी 4 4 आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 16, और बाकी के 2 जीरो एज इट इज, तो d आ गया है d इज इक्वल टू 1600 माइनस 1600, यहाँ पर d की वैल्यू आ जाएंगी d इज इक्वल टू 0।
तो d 0 आ गया है, मींस इस इक्वेशन के लिए रियल और इक्वल रूट्स होंगे, मींस इस इक्वेशन के रूट्स होंगे पर दोनों भी रूट्स सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो ये सिचुएशन पॉसिबल होंगी। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करना है। तो लेंथ और विड्थ फाइंड करने के लिए हम इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, तो हम इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर b है माइनस 40, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो d की वैल्यू है 0 अपॉन 2a, तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1। तो x आ जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 40 प्लस माइनस यहाँ पर 0 अपॉन 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 2 वन ज़ा 2 और 2 20 ज़ा 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 20। तो x हमने लेट की थी लेंथ, यहाँ पर लेंथ आ जाएंगी, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ, यहाँ पर ब्रेथ हो जाएंगी इज इक्वल टू, ब्रेथ हमने लेट की थी y, तो y की वैल्यू आ गई थी 40 माइनस x, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 20, तो 40 माइनस 20, तो 40 माइनस 20 आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर, इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 मीटर हो जाएंगी। तो हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर ली है, तो हमें यही करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पर ख़त्म होता है।